सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिस, ऑफिस इज जस्ट व्हाट एग्जैक्टली देर इज अ डॉक्यूमेंटेशन इन जनरल. ऑफिस इफ यू आर कंसिडरिंग, इट इज जस्ट व्हाट एग्जैक्टली द डॉक्यूमेंटेशन. सेवरल डॉक्यूमेंट्स आर देयर, सेवरल थिंग्स दैट पुट इन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एंड दैट ईयर वाइज, दैट डेट वाइज, दैट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आर कैरिंग. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइक्रोसॉफ्ट, दैट वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर कंपनी, दैट वन ऑफ द वन कंपनी दैट रूल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट एंड हैविंग अ मेजर स्टेक इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. सो दैट कंपनी डिजाइन एंड डेवलप द टूल थ्रू विच वी कैन मेंटेन सेम काइंड ऑफ अ फिजिकल स्ट्रक्चर इन द सॉफ्टवेयर पार्ट और अ वन वर्चुअल पार्ट. वी कैन से दैट जो फिजिकली हम मेंटेन करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने कुछ लेक्चर्स के पहले बताया था कि जैसे एक मुनीम जी रहता था कैलकुलेशन के लिए, बहुत से बड़े बड़े साहूकार जो रहते थे, तो उनके यहाँ पे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज जो भी रिलेटेड फाइनेंशियल रहता था डेटा, फॉर दैट देर इज अ वन पर्सन कॉल्ड एज अ कंप्यूटर हु ऑपरेट्स इट. तो उसके पास खाता बुक रहता था, खाता बुक में वो सारी चीजें लिखना है, मैनिपुलेट करना है वगैरह सब चीजें करता था. लेटर ऑन उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया कि उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे सॉर्टिंग रिलेटेड, ईयर वाइज सॉर्टिंग रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म्स. एंड व्हेन मशीन वाज इंट्रोड्यूस और थ्रू द मशीन वी कैन डू इट, इट इज वेरी इजी. वी जस्ट हैव टू एंटर द डेटा एंड वंस वी एंटर द डेटा वी कैन फेच इट व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड थ्रू द फाइल्स एंड दैट पर्टिकुलर स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट, राइट. सो दैट मेड पॉसिबल. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द रोल ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट इन आवर सिलेबस, दैट वी शुड नो दैट हाउ वी कैन एक्सेस दैट टूल्स गिवन बाय द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. देर आर सेवरल टूल्स एंड आउट ऑफ दैट वन ऑफ द टूल इज मेजरली यूज एज एन डेटाबेस ऑल्सो. ओके, अ स्मॉल इफ यू रिक्वायर अ स्मॉल डेटाबेस, दैट मीन्स अ स्टोरेज, दैट इन दैट केस वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर टूल. सो लेट्स स्टार्ट द अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके, इज इट स्क्रीन विजिबल? यस सर, यस सर, यस सर। ओके 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 ओके, थैंक यू. नाउ एवरीवन नोज दैट द माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी और द कॉर्पोरेशन व्हिच इज एस्टेब्लिश इन यूएसए बाय द बिल गेट्स. ही इज द ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, दैट वॉज अ पर्टिकुलर पार्ट. बट रिसेंटली देर आर सम न्यूजेस दैट मे ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स आर सोल्ड बाय द बिल गेट्स एंड ऑल दैट, एंड ही इज नॉट इन द टॉप, इज नॉट द फर्स्ट रैंक रिच पर्सन बिकॉज ऑफ दैट. सो दीज आर द सम ऑफ द अदर पार्ट, बट दैट वॉट वी नो एज एन हिस्ट्री पार्ट, बिल गेट्स इज द ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड आई गेस ही इज स्टिल ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. एनी वन नोज अबाउट इट? एनी अदर ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और स्टिल बिल गेट्स इज देयर? एनी वन? ओके, नो नो प्रॉब्लम. अपने को वैसे भी उससे कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. वी फोकस ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट. सो बिल गेट्स इज द ओनर, राइट. सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज हैविंग स्पेशल पर्पज ऑफिस वर्क ऑन सर्टन एरियाज लाइक डॉक्यूमेंटेशन, वर्कशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस. दैट व्हाट वी आर टॉकिंग, दैट डेटाबेस, दैट डॉक्यूमेंटेशन, दैट प्रेजेंटेशन एंड वर्कशीट, दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ बिग वन. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस व्हिच इज वेरी गुड फीचर और व्हिच इज वेरी गुड टूल प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन एवरीवन नोज अबाउट दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज हैविंग अ फोर मेजर दैट वी ऑलरेडी नो पैकेजेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट. शायद ये तीनों के तीनों आपने यूज किए होंगे. एग्जैक्टली यस यस यस. सहर्ष, तुझा
माइक अनम्यूट झालेला आहे बहुतेक. ओके सो मोस्टली वी यूज दॅट पर्टिक्युलर थ्री थ्री पॅकेजेस, पॅकेजेस, एम एस एम वर्ड, एस वर्ड, एम एस एम एस एक्सेल एक्सेल अँड एम एस पॉवर पॉवर पॉइंट. पॉइंट. ठीक आहे, बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एम एस एम एस एक्सेल एक्सेस, ओके सो ईश्वरी कमेंट दैट पाउल एलन एंड सर्वेश ऑल्सो कमेंट दैट बिल गेट्स पाउल एलन. हाँ ओके ओके नो प्रॉब्लम. सो दीज आर द टू स्टेक होल्डर्स इन द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ओके सो दैट एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, दैट मेनी ऑफ अस ऑलरेडी यूज इट, हैव नोन अबाउट देयर वर्किंग स्टाइल एंड देयर परफॉर्मेंस. बट द एम एस एक्सेस विच इज द न्यू वन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ वन पर्टिकुलर डेटा बेस थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो आप डेटा बेस क्रिएट कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया होगा, या फिर स्कॉलरशिप का या फिर एनरोलमेंट का फॉर्म फिल किया होगा, सो वॉट एवर द फील्ड्स आर देयर, नेम, क्लास, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, वॉट एवर योर सब्जेक्ट्स, वॉट एवर द फील्ड्स आर देयर, दैट एवरी फील्ड इज स्टोर्ड इन अ वन पर्टिकुलर डेटा बेस विच इज हैविंग सम प्राइमरी कीज एंड ऑल दैट. सो थ्रू दैट इट कैन बी एक्सेसिबल. देर इज वन यूनिक की, एक आपका जो एनरोलमेंट नंबर रहता था या फिर आपका लॉग इन आई डी डिटेल्स जो भी रहते थे, सो विद दैट लॉग इन आई डी और लॉग इन क्रेडेंशियल यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट पर्टिकुलर पोर्टल. सो दैट डेटा इज फेच फ्रॉम द डेटा बेस. जब भी आप सेव करते हो तो डेटा कहीं ना कहीं तो सेव होना चाहिए, एंड दैट्स वाई दिस एम एस ऑफिस इज ट्रीटेड एज अ सर्वर बेस, राइट. मैंने बताया था कि शुरुआत में कि इट इज अ सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन एंड इट रिक्वायर्स दैट कंटिन्यूअस सपोर्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज अ स्मॉल डेटाबेस व्हिच कैन हैंडल लिमिटेड अमाउंट ऑफ अ डेटा. ओके लिमिटेड मींस नॉट एग्जैक्टली लिमिटेड, बट थाउजेंड्स ऑफ, 10,000s ऑफ एंट्रीज, और इवन इफ अप टू द 1 लाख एंट्रीज दैट कैन बी मेड पॉसिबल और स्टोर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, राइट. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. दैट फर्स्ट पैकेज इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट. एवरीवन नोज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. देर आर सेवरल बटन्स आर अवेलेबल, फीचर्स आर अवेलेबल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रेफरेंसेस, मेलिंग, देन रिव्यू, व्यू, एड इंस्ट्रक्शंस. सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बट मोस्टली व्हाट वी आर यूज, वी यूज ओनली द पेज लेआउट, इंसर्ट, होम तो हम यूज करते ही है. देन व्हाट व्हाट एवर द डेटा दैट वी हैव टाइप इन दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट विल बी चेंज विद द हेल्प ऑफ कलर्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और चेंज द फॉन्ट्स विद द हेल्प ऑफ वेर देर आर वेरियस फॉन्ट्स आर अवेलेबल, साइज चेंज, अलाइनमेंट, देन वी कैन गिव द नंबरिंग ऑल्सो, स्टाइल ऑल्सो वी कैन गिव दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन. सो कॉपी पेस्ट, दीज आर द मेजर की फीचर्स दैट वी ऑलरेडी एक्सेस इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट. वॉट एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज. यू कैन यूज इट टू टाइप अ लेटर, रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दैट वॉट वी वॉन्ट टू केप्ट फॉर लॉन्ग लॉन्गर पर्पज. द फोर मेन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस आर डिफाइनिंग द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट. आपको कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो दैट विल बी डिफाइंड फर्स्ट. देन एंटरिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कीबोर्ड, देन एडिटिंग और मॉडिफाइंग दैट अल्टर मेकेनिज्म इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. प्रीवियसली वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवर देयर वॉट एवर द इंटरफेस वॉज प्रोवाइडेड बाय दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नॉट अल्टरेबल. वंस यू टाइप इट दैट विल बी फाइनल. इफ इट विल एग्जीक्यूट देन ओके, इफ इट विल नॉट एग्जीक्यूट देन वी हैव टू टाइप इट अगेन. सो इन 2007 और 2008 वी यूज सम डॉस बेस्ड सिस्टम इन माई इंजीनियरिंग लाइफ. सो दैट दैट हैज द वन ड्रॉबैक कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते थे, पीछे भी नहीं ले सकते थे कि वो अगर स्पेलिंग गलत हो गया. फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर स्पेलिंग है, रिनेम का एक स्पेलिंग है, वो अगर चेंज करना है तो वो चेंज नहीं कर सकते थे. वी हैव टू एंटर इट
देन इट विल शो द एरर, देन अगेन यू हैव टू टाइप इट. दैट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन द प्रीवियस वर्जन्स, बट लेटर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच प्रोवाइड्स दैट मॉडिफिकेशन एडिटिंग कैन बी मेड पॉसिबल. देन थ्रू डायरेक्ट दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट इफ योर लैपटॉप और कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द प्रिंटर. वेल सेटअप प्रिंटर इज देयर, सो वी कैन प्रिंट द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. देन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेजर कंपोनेंट्स आर वन स्टैंडर्ड टूल बार इज देयर ओवर विच वी कैन हैव मल्टीपल बटन्स और ऑपरेशंस दैट सेव ओपन द फाइल देन एबीसी दैट वी कैन पुट द इंडेंशन. देन देर इज अ फॉर्मेटिंग टूल बार थ्रू विच वी कैन प्रॉपरली अलाइन योर डॉक्यूमेंट. Before standard toolbar, there is a yellow color menu bar in which multiple menus are provided. If you zoom that particular picture, you can observe it. That file, edit, view, insert, format, tools, then table, windows, and help. And the first one is the title bar, over which we can get the name of a document. Can anyone tell me that which extension used by the Microsoft Word to save the file? Extension. Just like we are having audio file, then there is an extension .mp3. Video file .mp4. So like Microsoft Word, if we have a document in that particular Microsoft Word, if you want to open it, then we can observe there is one extension. Which extension is there? Anyone? Sir, docs. Exactly. Amruta, okay. No, Anuradha, sorry. Exactly. So that is what? Doc. DOC or DOCX. Docs. Okay. So that extension is made available. Vedant DOCM M नहीं रहता I guess M M का कोई significance है क्या Vedant? Vedant Gulla ने M audible? Okay, he will reply in a chat. Okay, no problem. So that it is not having any other extensions, but it only uses the DOX or DOCX or DOC, right? So again, there are some versions, Windows, Microsoft Word 93, 2000, 2007, 2010, right? So these are the versions are also there. So when you're talking about that components of a Microsoft Word, that cursor is there, scroll bar that we use, status bar, then drawing toolbars and view choices, how we can view the particular content, single page, double page, that we can break the particular content into the double page also, right? If you have gone through the some research papers which will be published in a journals, right? So we can observe that there is a two column documentation. Okay, a single doc file is divided into the two column, right? So that is the components of a Microsoft. The ribbon that displays the various commands and features of all the tabs. ये सारी tabs हम use करते नहीं हैं, but mostly file के tabs use करते हैं हम. Save, save as, home, insert. If you want to insert some doc, some kind of shapes, some images. That we can use the insert, then page layout, mostly A4 size हम prefer करते हैं या फिर legal, then references तो नहीं use करते. Mailing, if you want to send a data through the mail, there is also the functionality. We don't require any Gmail account, directly we can mail through that particular separate Gmail account is not required, but their own Hotmail is already there. Windows Microsoft का already एक खुद का Hotmail था, अभी भी होगा शायद, बहुत कम लोग यूज करते हैं उसे. तो दैट मेलिंग सिस्टम इज देयर. रिव्यू व्यू, दीज आर द सम ऑफ द दैट कंपोनेंट्स और द कमांड्स दैट आर प्रोवाइडेड, राइट?
देन द मेजर की फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एडिटिंग डॉक्यूमेंट ग्राफिक्स वर्ड आर्ट प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। मोस्ट प्रोबेबली आप जो डिजाइन्स वगैरह बनाते हो ना आपके बाइक के ऊपर, यानी नंबर प्लेट के ऊपर या फिर जो कार्स के ऊपर पीछे से डिजाइनिंग वगैरह रहती है, रेडियम रेडियम एग्जैक्टली, तो वो अलग अलग प्रकार से रहते हैं ना, तो पोस्टर भी बहुत से अलग अलग से रहते हैं, तो दैट कैन बी मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड। अगर है तो वर्ड आर्ट में वो इजिली पॉसिबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ग्राफिक्स के रिलेटेड भी यूज होता है एंड रेस्ट ऑफ द अदर दैट वी नो क्रिएटिंग एडिटिंग एंड प्रिंटिंग दैट वी ऑलरेडी यूज इट राइट। देन प्रूफिंग वर्ड डॉक्यूमेंट दैट स्पेलिंग चेकर, ये इसके पहले भी मैंने एक बार बताया था दैट स्पेलिंग चेकर इट रिक्वायर्स अ वन हिडन प्रोग्राम और द कोड हिडन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, हमको उसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ हिडन, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी इन द योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स। बट दैट स्पेलिंग चेकर एंड ग्रामर चेकर दीज आर द टू मेजर दैट प्रूफिंग वर्ड डॉक्यूमेंट दैट थ्रू दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन वट एवर वी आर राइटिंग दैट इज करेक्ट विथ अ स्पेल एंड करेक्ट विथ अ ग्रामर। टुडे वी आर ऑल्सो हैविंग ग्रामरली राइट, एनी वन नोज ग्रामरली, एवरी वन शुड नो अबाउट इट, ग्रामरली देर इज अ वन सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली ग्रामरली एनी वन नोज through that, yes sir, Vedant just said, okay, through that we whatever we are typing in a mail, whatever we are typing in a word or every anywhere where we type, so that will check it that their program is continuously running and it will check it their grammar mistake, spelling mistake and everything, and it will suggest what is the proper that particular grammatical part that we have to put right. So same made possible in Windows 93, that one of the first version, not 93, that particular Windows operating system which uses the Microsoft Word in the 93, that uses the spelling checker, and later on the grammar checker is also added. Then there are the several proofing structures, then autocorrects is also available, that particular proofing document is made possible. Thirasus is also possible with the help of a proofing word. Then word document, that is formatting of a word document, the process to change the appearance of a document is called as a is called the document formatting. You can format a single character, word, lines, paragraphs or the whole document, which we already did. ये सारी चीजें हम करते ही हैं, ठीक है. The document is formatted to make it more attractive and beautiful. Okay. अगर आपको कोई ऐसा फ्लेक्स बनाना है या फिर कुछ ऐसी चीज बनानी है कि दैट शुड बी द अट्रैक्टिव, वी आल्सो यूज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। द कमांड यूज फॉर फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द होम बटन। ओके, सो देर आर वेरियस टैब्स, थ्रू दैट होम टैब आल्सो वी कैन परफॉर्म दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन। इन क्रिएटिंग टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स अ टूल called a table. It is used to organize the information of rows and columns. ठीक है, तो जैसे टेबुलर इंफॉर्मेशन अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है, बतानी है या फिर उस केस में आपको यूज करना है डॉक्यूमेंट में, सो दैट मेड पॉसिबल बाय इंसर्ट, बाय प्रेसिंग द टैब इंसर्ट, इन साइड दैट वी कैन सिलेक्ट द रोज एंड कॉलम। A table is made of a series of rows and column and intersection of a rows and column, it is called as a cell. So through that particular cell we can access the individual cell also, and we can select the complete table also. So that made possible. Then we switch to the, up till now anyone having any query, just because that I am asking that it is known to you, and that's why I am changing the slides fastly. Okay, because we require a more time to discuss about the Microsoft Access, which is a new one, right? So if anyone having any query, they can raise the hand, right? अगर किसी को कुछ पूछना है तो बीच में इंटरप्ट कर सकते हो. Okay, so then Microsoft Excel,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल. सो इट इज अ स्प्रेडशीट, वी कॉल इट एज अ स्प्रेडशीट. थ्रू दैट स्प्रेडशीट वी कैन ऑल्सो डू द कैलकुलेशन पार्ट. इफ यू पुट द सम फॉर्मूलाज, इफ यू विजिबल इन द स्क्रीन, देर इज ए बी सी डी एंड अबाउट डी देर इज एफ एक्स. सो एफ एक्स इज फॉर वॉट, दैट इट इज अ फॉर्मूला. वी कैन सिलेक्ट इट एंड पुट द वन फॉर्मूला एंड हिट द एंटर, वी कैन गेट द एंसर. So that one of the best feature of MS Excel is that calculation can be done. Data तो save करता ही करता है, but apart from that, जो भी आपको calculation part है, figures है, कुछ account के related data save करना है या फिर reserve करना है, so that made possible with the help of MS Excel. So we'll look quick that particular components of MS Excel. That office button was there for accessing particular document. Then name of the box. Then quick access toolbar was there. Then title bar was there. Work area, column letters, formula bar. Rows and columns में divide होता है Excel. Then tab list was there. Ribbon was there. Then bottom side there is a row numbers. Then sheet tab scroll buttons. Because the size of the Excel sheet is much big than that of Windows, than that of a particular Microsoft Word, right? Word के compare में Excel की जो size रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है. Rows और columns बहुत रहते हैं. I guess X X तक columns है और rows भी बहुत ज़्यादा है. I don't know the end of that particular part. But it is having a too much data. Active sales was there. Then status bar, that whether it is ready or doing something, that particular part. Even if we can zoom that particular page, page view buttons are also there. There are several components that we already know and we already access it whenever it is required, right? So that Excel is one of the good tool. Then the ribbon display various commands and features of all the tabs. So close view बताया उन्होंने, home, insert, page layout, formula. Formula is the one of the key feature of Excel, right? Then there is a format painter also there. Once we are putting the format to the some data, that we can be selected and apply that format painter to the whenever it is required. जहाँ पे भी आपको put करना है, लगाना है, आप उसको लगा सकते हैं. Then Excel is a Microsoft application that is mainly used for calculation and mathematical works. यहाँ पे data सिर्फ save नहीं करना है, हमको calculation part भी और mathematical part भी cover करना है. It is a spreadsheet application in which we can add sheets as per our requirements, multiple sheets that we can add. In a single sheet, it consists of rows and columns and cells, where every cell has a different address. That is important part. Whenever it is stored into the database, so it has a particular separate address. But if we are considering the Microsoft Word, so that Word completely store on a one address. Excel का एक cell जो store होता है database में, उसका अलग address रहता है, right? So sum, product, subtraction, division and many mathematical logical functions are available within it. Greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equal to, equal to. Such kind of all logical and mathematical operations can be performed with the help of Microsoft Excel. Other features includes the tables, charts, clips, clip arts and the more can be made with the help of MS Excel. It is basically used for a payroll. जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि accounting के related that we can keep the data inside the Excel, payroll, accounts, mathematical and for the other business purposes. ठीक है, so mainly wherever it is required that the calculation part, we can use the Excel. So these are the complete list of features. We will not go in detail, but just will you look it. Hyperlink can be made with the help of Excel. Clip art, charts, tables, some of the functions like mathematical functions or logical functions, average, sum, mod, product, then images and backgrounds that can be incorporated with the Excel sheet. Then macros,
ये एक छोटू सा एक पार्ट है, माइक्रोज आर यूज फॉर अ रिकॉर्डिंग इवेंट्स फॉर अ फ्यूचर यूज। ठीक है, कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोज, ठीक है, इन अ वाइवा, राइट, बिकॉज यू मे कंपेयर द कंटेंट ऑफ द सिलेबस इन नॉर्मली विथ अ रेगुलर लेक्चर्स। दिस ऑनलाइन लेक्चर ऑफ आवर सेक्शन, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमारा एक एक ट्राई ऐसा है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है, जैसे आज न्यूज में मैंने देखा कि MBBS की एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है, तो हमारी भी एग्जाम ऑनलाइन हो सकती है, यानी होने वाली है, लगभग ऐसा ही तय है। इन दैट केस एग्जाम सेटर और पेपर सेटर हैव मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, इफ इफ वी लेफ्ट सम टॉपिक, कोई भी ऐसा अगर टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिया, तो दैट मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर एग्जाम। सो जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, दो इट इज अ स्मॉल और बिग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, ओके, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है वो इट इज अ बेस, इट इज अ कंप्लीट बेस ऑफ अ सी लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी कवर मैक्स टू मैक्स एवरी कॉर्नर ऑफ द सिलेबस, जो भी छोटा मोटा पार्ट होगा वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। तो एक बीच में क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव्स में, माइक्रोज, माइक्रोज का यूज क्या है, सो इट इज यूज फॉर अ रिकॉर्डिंग इवेंट्स फॉर द फर्दर यूज, राइट। देन द डेटाबेस, विद द डेटा फीचर यू कैन ऐड एनी डेटाबेस फ्रॉम अदर सोर्स टू इट, सो दैट MS Excel इज ऑल्सो यूज एज अ डेटाबेस बट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ डेटा, राइट। अगर हम कंसिडर करते हैं हमारे कॉलेज के बच्चों का अगर डेटा स्टोर करना है, सो दैट मेड पॉसिबल, क्योंकि 2000 बच्चे हैं और हर एक बच्चे का अगर डेटा कंसिडर करते हैं कि 10 to 12 फील्ड्स रहेगी, नाम रहेगा, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, और ब्लड ग्रुप, देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे कुछ फील्ड्स रहेंगे, ऐसे 10 या 12 फील्ड्स रहेगी, तो 2000 बच्चे, 10 फील्ड्स, ठीक है, वॉट एवर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, सो दैट कैन बी मेड पॉसिबल टू यूज द डेटाबेस एज एन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आप डेटाबेस एज यूज कर सकते हो। देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उसको सॉर्ट करना है, ठीक है, जैसे फाइनल ईयर में कंपनीज आती है, कैंपस प्लेसमेंट रहता है, सो इन दैट केस दे रिक्वायर द स्टूडेंट्स विच इज हैविंग अ मोर देन 60% इन 10th, इन 12th एंड इन करंट इंजीनियरिंग, राइट, जो भी 7th सेम तक के या फिर 6th सेम तक के जो रिजल्ट लगा है, तो उसके रिलेटेड उनका 60 का क्राइटेरिया, दैट इज अ यूनिवर्सल क्राइटेरिया। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है कि जिनको 58 भी चल जाता है, कुछ कंपनियां ऐसे भी होती है कि दैट रिक्वायर्स ओनली अबव 65%। बट हमारे पास जो डेटा रहता है डेटाबेस में, जो भी हम स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं TNP डिपार्टमेंट, तो उनके पास तो 60 वाले डेटा रहता है, सो उसको अगर उनको वैलिडेट करना है या फिर सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, सो दैट मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ MS Excel। उसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसका परसेंटेज 10th में 58 एंड अबव है, उसके नाम आप बाहर निकाल के दो, उसके अलग एक लिस्ट बना के दो, तो एक्सेल आपको एक अलग से लिस्ट बना के देगा। जिनके 65% के ऊपर है, उनकी भी अलग से एक लिस्ट बना के देगा, ठीक है, सो दैट फिल्टरिंग कैन बी मेड पॉसिबल और सॉर्टिंग कैन बी मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ MS Excel। देन डेटा वैलिडेशन, दिस टूल कैन हेल्प एनी कंसोलिडेटेड योर डेटा, आपको चेक करना है कि कितने बच्चे इलिजिबल हैं, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक। देन ग्रुपिंग, ग्रुपिंग फीचर हेल्प्स यू टू बोथ ग्रुप योर डेटा एंड अनग्रुप इट, सो दैट यू हैव अ सब टोटल एंड सो फोर्थ, तो आप ग्रुप भी बना सकते हो उसमें, एंड थ्रू दैट ग्रुप वी कैन गेट। हेलो हेलो Am I audible? सौरभ आई गेस सेम कालचा तो थोड़ा सा प्रॉब्लेम यूज आला असेल, मे बी नेटवर्क इशू,
ओके, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लेम. जितकं समजा ऐकू येतं तुम्हाला, समजा जर समजत नाही असेल तुम्हाला मी रेकॉर्डिंग पाठवून देईल. सर आपण स्वतःहून एक्झिट होऊन वापस जॉईन झालो ना तर प्रॉब्लेम नाही येत. ओके, पण हे कितीदा करणार सर? एक वेळ आज मी, मला पण स्टार्टिंग में झाला होता, मी स्वतःहून एक्झिट झालो, पण आता बरोबर येत प्रॉपर. अच्छा अच्छा, मग हा एक ऑप्शन करून बघा तुम्ही सौरभ, पॉसिबल असेल तर एक्झिट करून पुन्हा इन करणे, तर मे बी सॉल्व होऊन जाईल. ओके देन, थँक्यू थँक्यू सिद्धेश. ग्रुपिंग कॅन मेड द पर्टिक्युलर डेटा ऍज अ ग्रुप ऑफ सम स्टुडंट्स, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द ग्रुप ए, ग्रुप बी, दॅट कॅन बी मेड विथ द हेल्प ऑफ एक्सेल ऑल्सो. देन पेज लेआउट दॅट वी आर हॅव्हिंग मल्टिपल थीम्स, कलर्स, देन सम शीट्स अँड मार्जिन, साईज, बॅकग्राऊंड, सो मल्टिपल ऑप्शन्स दॅट कॅन बी मेड अवेलेबल विथ द हेल्प ऑफ पेज लेआउट. As per our requirement, we can set that particular page layout and we can use it, right? Whatever the data that we want to access with the MS Excel. So these are the major features. Then arithmetic calculation, just what we discussed, that can be possible with the help of MS Excel. ग्राफ्स कैन बी मेड पॉसिबल, आप ग्राफ्स बना सकते हो, जैसे इसमें भी बना सकते हो, आप वर्ड में भी बना सकते हो, बट आप उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको. बट इन केस ऑफ एक्सेल वी कैन डायरेक्टली मेड इट बाय पुटिंग द वैल्यूज. ठीक है, आप वैल्यूज दो और जो ऑप्शंस उसमें प्रोवाइड किए गए दैट वी हैव टू सिलेक्ट इट एंड देन वी कैन डिजाइन द पर्टिकुलर ग्राफ, राइट? जैसे अभी पेंडेमिक में ग्राफिकल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. Either it is related to the share market or either it is related to the number of patients or number of people that get vaccinated, right? तो उसमें graphical structure को बहुत ज्यादा importance दिया जाता है कि हर दिन कितने लोगों को vaccination मिला है इस particular state में, उस particular state के comparison में. तो ये सारी चीजें, या फिर country to country, that graphical representation is very important, right? और businesses में तो maximum graphical representation रहता है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, राइट? देन सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल, अगेन इट इज रिलेटेड टू दैट मैथमेटिकल पार्ट, एवरेज, काउंट, पाई वैल्यू दैट कैन बी फाइंड आउट, सम, प्रोडक्ट, मैक्स, इफ. ये जो इफ है दैट इज टेकन फ्रॉम अ सी लैंग्वेज. ठीक है, सी लैंग्वेज में इफ एल्स का स्ट्रक्चर आता है, इफ स्टेटमेंट आते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम एस एक्सेल. ओके, देन स्विच टू द पावर पॉइंट, दैट इज विच वी आर यूजिंग राइट नाउ. ठीक है, पावर पॉइंट से हम सारी चीजें डिस्प्ले करते हैं और डिस्कस करते हैं. सो दैट पावर पॉइंट इज हैविंग अ सच काइंड ऑफ फर्स्ट लुक, दैट दैट टूल बार इज देयर, दैट नंबर ऑफ बटन्स आर देयर, टैब्स आर देयर, slides, layouts are there, multiple things that are present in that particular panel. So the PowerPoint is nothing but computer software created by the Microsoft, which allows the user to create the slides with the recordings, that we can also put the audio and video inside the PowerPoints, narrations, then transitions and other features in order to present the information. Means एक attractive way जो हम बोलते हैं, जैसे आप word में भी कर सकते हो ये सारी चीजें, but word के compare में PowerPoint ये बहुत ही attractive है, जिसमें pages right से आएंगे, left से आएंगे, बीच में से उभर कर आएंगे. जैसे अब मैं change करता हो तो कुछ भी आपको दिखता नहीं है. ठीक है, ये जो मैं slide change करता हूँ तो immediately आपको next page दिखता है, but if you are considering that some features if you apply on the PowerPoint, जैसे इसके पहले शायद आपको दिखे होंगे कुछ PPTs मैंने turn up की थी इसके पहले जो lectures हुए, so that having a attractive way of a presentation of the same data which can be present by the Microsoft that word जो करेगा वही ये करेगा, but उसको अच्छे से present करेगा. So that is again made by the Microsoft. Then the features are animation. E-animation का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है. Then auto shapes, उसमें बहुत सारे फीचर्स है auto shapes में. Editing presentation, spell checking, वो तो सब भी इसमें है. Hiding and unhiding slides,
देन रनिंग प्रेजेंटेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, सेविंग प्रेजेंटेशन एंड द प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन. प्रिंट दैट ऑप्शन इज मेड अवेलेबल इन थ्रू आउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑल द वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल. ओके, एंड नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वॉट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज दैट इट कैन बी यूज एज अ डेटा स्टोरेज डेटा बेस, राइट? दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो एम एस एक्सेस इज अ टूल विच यूज टू क्रिएट अ डेटा बेस एंड इट हेल्प एंड इट इज ऑल्सो अप्लीकेशन एज अ सॉफ्टवेयर. वो अप्लीकेशन है एक और सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन है, सो दैट वी कैन गेट द फैसिलिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू स्टोर द मल्टीपल एंट्रीज अंडर द पर्टिकुलर डेटा बेस, राइट? सो द फीचर्स ऑफ द एम एस एक्सेस आर, फर्स्ट वन इज द डेटा बेस, रिकॉर्ड कीपिंग दैट मेड पॉसिबल, फील्ड्स, टेबल्स, वी कैन मेड द फॉर्म्स ऑल्सो. जैसे गूगल फॉर्म रहता है जिसमें हम कुछ एंट्रीज करते हैं, तो वो किसी ने गूगल फॉर्म बनाया कभी? हैव यू मेड एनी गूगल फॉर्म एनीवन? फील तो बहुत लोगों ने किया होगा, बट हैव यू मेड एनीवन गूगल फॉर्म? यस सर. ओके, सो वंस वी मेड द गूगल फॉर्म दैट इज कनेक्टेड विथ योर जीमेल एंड देन वट एवर द डेटा दैट वी रिसीव, जिससे आपने गूगल फॉर्म शेयर किया होगा, तो जिससे जो भी उसमें डेटा फिल करेगा दैट विल बी विजिबल इन द वन ऑफ द फाइल. ओके, दैट फाइल इज अ एक्सेल फाइल. एक्सेल फाइल में वो सारे की सारे फील्ड्स जनरेट हो जाती है और वो डेटा भी उसमें अपने आप आ जाता है. दैट विल बी फेच फॉर्म अ दैट गूगल फॉर्म. सो दैट फॉर्म मेकिंग इज ऑल्सो मेड अवेलेबल विद द एम एस एक्सेस. We can create the reports, then the primary key. अब ये primary key क्या चीज है? तो जैसे आपका जो role number है, अभी आपने enrollment form fill कर दिया है, तो आपका enrollment number भी आ जाएगा. Role number जो है, with the help of role number, you can access the current semester result. क्योंकि हर semester का role number change होगा. जैसे आपका 10th का एक role number था, 12th का एक role number है, और अभी करंटली जो फर्स्ट सेम आएगा आपका, उसका एक अलग रोल नंबर रहेगा, ठीक है? क्लास का एक रोल नंबर रहता है, तो स्टूडेंट आईडी एक अलग एक नंबर रहता है, बट स्टूडेंट आईडी इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है? क्योंकि आपकी ईयर ऑफ एडमिशन जो है वो 20 है, और जिस आईडी के थ्रू आपने लॉग इन किया है. ओके ओके, अमृता ने फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था तो उन्होंने किया था. राइट राइट, एग्जैक्टली. यू आर फ्रॉम बीएससी बैकग्राउंड, राइट अमृता? नो सर, पॉलिटेक्निक. या या, राइट राइट, पॉलिटेक्निक, एग्जैक्टली, गुड गुड. सो दैट पर्टिकुलर प्राइमरी की इज वेरी इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ दैट व्हेन वी हैव टू एक्सेस अ डेटा, कंप्लीट डेटा, विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. अगर आप एक की दे देते हो, जैसे आप पासवर्ड देते हो मोबाइल का, वो भी एक प्राइमरी की है मोबाइल को एक्सेस करने के लिए. वैसे आप अगर आपका रोल नंबर देते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. आपका एनरोलमेंट नंबर अगर देते हो तो आपका 4 साल का जितना भी बायोडेटा है यूनिवर्सिटी के पास, वो पूरा का पूरा आ जाएगा उस सॉफ्टवेयर में. सो दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्राइमरी की एंड दैट वाज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, राइट? देन That Microsoft Access, when we are talking about, it can generate the database. So database generation is related to about, जैसे मैंने बताया था कि MS Excel, जैसे Access है, then Excel भी है. Excel से भी आप database बना सकते हो. ये दोनों जो database है, that having a limited data entry, whereas if you want a large amount of data, then we can go for the Oracle डेटाबेस. देन वी कैन गो फॉर द माई एसक्यूएल, एम एस एसक्यूएल. ओके, अगेन इट इज फॉर्म एम एस, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के है, बट दैट आर हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ डेटा एक्सचेंज. ठीक है, दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द एप्लीकेशन रिलेटेड टू द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अगेन वी कम टू द सेम दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो वी आर हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 130 crores, right? And up till now I guess 1.5 crore or 2 crore people get vaccinated.
ठीक है, हेल्थ रिलेटेड पीपल्स, देन सम दैट 60+ एज पीपल्स एंड मेनी मोर, ठीक है, पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट. सो इफ दैट काउंट इज अप टू द 2 करोड़, ठीक है, सो दैट डेटा कैन बी मेड, डेटा कैन बी सेव इन पर्टिकुलर सम डेटाबेस, बट दैट रिक्वायर्स, इफ दैट डेटाबेस रिक्वायर्स अ ह्यूज कैपेसिटी एज वेल एज इट रिक्वायर्स अ फास्ट कंप्यूटेशनल पार्ट. सो इफ इट इज नॉट, देन व्हाट हैपन, वी कांट फेच द पर्टिकुलर डेटा. 2 करोड़ लोगों का डेटा अगर फेच करना है, उसमें से देखना है कि इन्होंने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि दो बार वैक्सीनेशन देना है ना, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज. पहले एक देना पड़ता है, देन 28 दिनों के बाद शायद दूसरा देना पड़ता है, करेक्ट, एम आई राइट? यस सर, यस. हाँ, सो वो रिकॉर्ड कीपिंग, जो डेटा, जो भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, सो फॉर दैट पहले 28 दिनों में जिनका भी हो गया है वैक्सीनेशन, तो फिर से उनको फर्स्ट डे, जैसे 1 मार्च को चालू हुआ, तो अब 28 मार्च को फिर से उनको एक दूसरा डोज देना पड़ेगा, राइट? 1 मार्च को जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मॉर्निंग में एक वैक्सीन का डोज लिया, अब 28 को फिर से उनको वो डोज देना पड़ेगा, सेकंड डोज. तो सिमिलरली जो जिन्होंने 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को जो अभी लेंगे, उनको आगे आगे ऐसे जाते हुए 28, 29, 30 वगैरह ऐसे उनको डोज लेने पड़ेंगे. बट उन्होंने लिया कि नहीं लिया, और लेना जरूरी है, तो वो जो डेटा कीपिंग है, डेटा आपको जो मेंटेन करना है, उनको बताना है. कुछ लोग खुद होके जाएंगे, कुछ लोगों को बताना भी पड़ेगा, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, स्किप हो जाता है. तो इन दैट केस व्हाट हैपन, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी हैव, 1.2 करोड़, 2-3 करोड़, आवर पॉपुलेशन इज 130 करोड़. तो इन दैट केस अ लार्ज एंट्रीज आर देयर एंड योर डेटाबेस शुड कैपेबल टू हैंडल इट, राइट? तो इन केस ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वी कैन हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी अप टू द सर्टन लैक्स ऑफ अ डेटा. इफ देर इज अ करोड़ एंट्री और डेटा दैट इज नॉट मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉर दैट वी रिक्वायर अ हायर वर्जन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट, एमएस एसक्यूएल और एमएस एक्सेस, सॉरी, एमएस एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, सो दैट वी